हेलो स्टूडेंट, दिस इज आकाश शर्मा और हमारा मैथ्स में टॉपिक चल रहा था त्रिकोणमिति का परिचय। इससे पहले हम त्रिकोणमिति के बारे में अच्छे से पढ़ चुके हैं, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी कर चुके हैं। आइए कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चंस और आंसर्स को हम इसमें देखते हैं। देखिए, हमें दिया हुआ है एक त्रिभुज दिया हुआ है पी क्यू आर में, जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है। देखिए, आपको दिख भी रहा होगा क्यू क्या है यहाँ पर, समकोण। समकोण क्या होता है, जो 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पी आर प्लस क्यू आर इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और क्यू आर पी क्यू की दिया हुआ है हमें 5 सेंटीमीटर, और साइन पी और कॉस पी और टेन पी के मान ज्ञात करना है। तो हमें तीनों को निकालना है, साइन पी को, कॉस पी को और टॉन टेन पी को, ठीक है। अब देखिए, तीनों आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर दिया है त्रिभुज पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए, आपको दिया हुआ है आर क्यू और ये दिया हुआ है पी। क्यू दिया हुआ है आपको 90 डिग्री। अब दिया हुआ है क्यू आर, आपको क्या माना है, हमने एक्स मान लिया, ठीक है। कहाँ है आपका क्यू आर, ये रहा क्यू से लेके आर तक। इसलिए पी आर आपको क्या मान लिया हमने, 25 माइनस एक्स, ये रहा। देखिए, ये आपको दिया हुआ है 25 माइनस एक्स। अब त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, तो इसमें क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण हमारा क्या है इसमें, पी आर, जो आपकी सबसे बड़ी भुजा होती है, तिरछी भुजा, उसे हम कर्ण बोलते हैं। तो पी आर देखिए कहाँ पर है, ये रहा। देखिए, तिरछी भुजा जो सबसे बड़ी भुजा है हमारी, क्या है, कर्ण। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू ये रहा आपका आधार, और ओ क्यू क्या दिया हुआ है, लंब दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमने इसका मान रख दिया, पी क्यू दिया हुआ है हमें यहाँ पर इज इक्वल टू पी क्यू का मान रख दिया हमने 5 सेंटीमीटर प्लस ओ क्यू, ठीक है। इसका मान हमें एक्स स्क्वायर हमने मान लिया, ये हमारा आर है, ठीक है। ये क्या है, आर क्यू। अब देखिए, हमने इसको मान को रखा, तो इसको सॉल्व किया तो 625 आया हमारा प्लस। अब ये माइनस माइनस करेंगे, अगर हम माइनस का एक्स इंटू माइनस का एक्स करेंगे तो हमारा प्लस का स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, हमारा प्लस होता है, तो हमारा यहाँ प्लस हो गया इज इक्वल टू। अब हमने पूरा फॉर्मूला खोल लिया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का, ये आ गया माइनस 50x इज इक्वल टू 5 स्क्वायर करा 25 और एक्स स्क्वायर करा तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, 625 माइनस 50x इज इक्वल टू 25 और ये क्या आ गया हमारा, 50x इज इक्वल टू 600। अब x बराबर आ गया हमारा 12 और QR आ गया हमारा 12। QR देखिए रहा, ठीक है। और हमें क्या निकालना था, QR की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि इसकी वैल्यू थी x और हमें x का मान निकालना था। तो x का मान आ गया 12, तो हमारा QR क्या हो गया आपका, 12 हो गया। अब हमें मान निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी का, ठीक है। इसलिए पी आर इज इक्वल टू 25 माइनस 12। अब हमें पी आर में दिया हुआ था 25 माइनस एक्स, अब जब हमें एक्स का मान पता चल गया क्या है आपका, 12, तो हमने इसमें से माइनस कर लिया तो ये आ गया 13, ठीक है। तो आपको इसका मान भी पता चल गया। अब साइन का मान क्या होता है, साइन होता है क्यू आर अपॉन पी आर, तो क्यू आर क्या हो गया आपका, लिखिए रहा, मीन्स क्या हो गया, लंब अपॉन क्या हो गया, पी आर कर्ण, ठीक है। तो कर्ण लंब अपॉन कर्ण, तो क्यू आर अपॉन ये आ गया। और कॉस क्या होता है आपका, पी क्यू, पी क्यू देखिए रहा आधार, क्या हो गया आधार, और बटे में क्या हो गया इसके, अपॉन में क्या हो गया, क्यू आर, ठीक है। पी आर हो गया हमारा इसका कर्ण, तो हमने इनकी वैल्यू रख दी दोनों की। और टेन का मान क्या होता है, क्यू आर, देखिए ये होता है हमारा लंब अपॉन पी क्यू, पी क्यू क्या है, आधार। तो सबके मान हमने यहाँ रख दिए, ये 12 आ गया और ये 5। तो सबको हम आराम से इस आसानी से इस फॉर्मूले में रख के इनके मान निकाल सकते हैं, किसके सहायता से, पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। अब नेक्स्ट देखिए, अब दिया है उदाहरण 3, उदाहरण नंबर 3, त्रिभुज ए सी बी लीजिए। अब हमने ए सी बी लिया है, देखिए ए सी और बी लिया हुआ है पे, जिसका कोण सी क्या है, समकोण है, आपको दिख रहा होगा, समकोण मतलब 90 डिग्री का आपका, जिसमें ए बी क्या है 29 इकाई और बी सी क्या है 21 इकाई, और त्रिभुज ए बी सी इज इक्वल टू थीटा, थीटा कोण हमें नहीं पता है इसमें, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं हमें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हमें सेकेंड क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए आकृति 8.1 में, अब ए सी बी में हमें क्या प्राप्त हैं चीज़ें, वो हम उन्हें यहाँ पर लिख लेते हैं। अब ए सी क्या है हमारा, देखिए हमें ज्ञात है इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, और ए सी क्या है हमारा, लंब, लंब की वैल्यू हमें ज्ञात नहीं है, तो लंब को हमने यहाँ रख लिया पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग, और हमने इसके ऊपर क्या लगा दिया, अंडर रूट। ए बी का स्क्वायर, ए बी क्या है आपका, कर्ण का स्क्वायर माइनस आपका आधार का स्क्वायर,
तो हमारा इसका मान आ गया 29 का स्क्वायर और ये 21 का स्क्वायर। अब इनको सॉल्व किया, अब ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है इसका बताइए, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यही हमने यहाँ पर खोल लिया, 29 माइनस 21 और 29 प्लस 21, ठीक है, ये 8 आ गया और ये आ गया 50। इनको अंडर रूट किया तो क्या आ गया दोनों का, 400। अब 400 का अंडर रूट क्या आता है, 20। तो 20 इकाई हमारा इसका आंसर आ गया, क्या आ गया, 20 इकाई। ठीक है, इतना समझ में आया आप सबको। अब देखिए, अतः साइन थीटा, अब साइन थीटा हमसे पूछा है, तो साइन थीटा क्या होता है, ए सी अपॉन ए बी, ए सी मीन्स क्या हो गया आपका लंब, और बटे में क्या हो गया, अपॉन में क्या हो गया ए बी, ए बी क्या है कर्ण। ठीक है, तो साइन का मान यहाँ देखिए क्या होता है, अगर हम साइन का मान लेते हैं तो ये होता है लंब अपॉन कर्ण। ठीक है, तो हमने दोनों का मान रख दिया, ए सी का मान हमें पता है और हमें ए बी का मान, और हमें अब किसका मान भी पता है, हमें ए सी का मान भी हमने निकाल लिया है 20 इकाई। ठीक है, वो हमने यहाँ रख दिया। अब देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा की क्या मान होता है, बी सी अपॉन ए बी, और बी सी क्या है आपका, यहाँ पर है आधार, क्या है आधार, और अपॉन में क्या आ गया आपके ए बी, और ए बी आपको क्या दिया हुआ है कर्ण, तो आधार अपॉन कर्ण, तो आधार का मान क्या है 21। देखिए यहाँ पर दिखा रहा होगा आपको आधार, ये जो नीचे वाली भुजा है क्या हो गई, आधार हो गई, और ये क्या है कर्ण, कर्ण आपको दे रखी तिरछी, तिरछी वाली भुजा जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमारी कर्ण होती है। ठीक है, अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब दोनों का हमें स्क्वायर करना है, हमें दोनों के मान पता चल गए, दोनों को हमने यहाँ पर स्क्वायर में ले लिया। अब दोनों के स्क्वायर को खोलते हैं तो 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर और ये 29 का स्क्वायर, क्योंकि नीचे दोनों सेम है, हमने इन दोनों को क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। अब इसको खोला तो ये 400 और ये आ गया 441, इन दोनों को प्लस कर लिया और 841। अब दोनों को करेंगे तो ये इसका मान क्या आएगा 841 और ये भी आएगा 841, तो क्या मान आ गया इसका एक। ठीक है, अब हमें सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसमें तो हमें प्लस करना था दोनों को और इसमें हम दोनों को माइनस करेंगे। अब देखिए मान तो वही रखे हैं हमने जो हमारी वैल्यू निकल कर आई थी यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से, तो हमने दोनों के मान यहाँ रख लिए, तो 21 प्लस 20 और 20 माइनस 20 अपॉन 29 स्क्वायर, तो ये आ गया 41 अपॉन 841, ये आंसर इसका आ गया। तो दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए। अब देखिए नेक्स्ट कोई उदाहरण देखते हैं, देखिए यदि 15 cot a इज इक्वल टू 8 हो तो sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। इससे पहले भी हमने इस टाइप के क्वेश्चन किए हुए हैं, तो हमें एक त्रिभुज दिया हुआ है यहाँ पर ए बी सी, जिसमें b आपको क्या दिया हुआ है, b आपको समकोण दिया हुआ है 90 डिग्री का, तो दिया है 15 cot a इज इक्वल टू 8। ठीक है, 15 cot a इज इक्वल टू 8, तो cot a की मान क्या होता है, तो हमने यहाँ रख लिया अपॉन, इसके अपॉन में चला गया ये। ठीक है, तो कॉट ए क्या हो गया 8 अपॉन 15, तो कॉट अब माना हमने कॉट ए 8 के हमने के मान लिया यहाँ पर। ठीक है, के तो हम किसी भी चीज़ की वैल्यू यहाँ पर मान सकते हैं, जहाँ के एक वास्तविक संख्या है, क्या है वास्तविक संख्या। अब त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, जब हमें त्रिभुज दिया हुआ है तो इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय को जरूर लगाएंगे, जिससे हम क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, क्योंकि हमें मान नहीं दिए हुए, तो उन मान को निकालने के लिए हमें पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करना पड़ता है। अब देखिए ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, अब ए बी का तो आपको पता है क्या माना हुआ था हमने, आधार को 8 के, और हमने बी सी, बी सी आपको क्या दिया हुआ है लंब, लंब को माना हुआ है हमने 15 के स्क्वायर, तो इसको स्क्वायर को खोला, 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 और 15 के स्क्वायर को करेंगे तो 225, 225 आपका आएगा, और दोनों को हम ऐड करेंगे तो 289 के स्क्वायर। अब ए सी हमें स्क्वायर दिया हुआ था तो अंडर रूट में हमने यहाँ पर रख लिया, तो 289 किसका अंडर रूट होता है आपका 17 का। ठीक है, हम टेबल याद करते हैं तो हमें सबके अंडर रूट भी याद होने चाहिए और हमें सबके स्क्वायर्स पता होंगे, जिससे हम आसानी से इनके अंडर रूट को निकाल सकते हैं। अब देखिए साइन ए हमें निकालना है, हमसे पूछा है साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए साइन ए बी सी अपॉन ए सी इज इक्वल टू 15 के, अब हमें दोनों के मान पता हुए हैं अब। ठीक है, यहाँ पे हमारा 17 आ गया था निकल के। ठीक है, ये रहा आपका 17 के, तो हमने यहाँ पे मान रख दिया, और sec a ए सी अपॉन ए बी, तो ये क्या हो गया 17 के अपॉन 8 के, तो आ गया 17 अपॉन 8। इतना आप सबको समझ में आया। अब देखिए नेक्स्ट उदाहरण नंबर 10, यदि sin 3a इज इक्वल टू cos a माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक न्यून कोण है, तो a का मान ज्ञात कीजिए। 3a क्या है, एक न्यून कोण, न्यून कोण कौन सा कोण, जो 0 डिग्री से ज़्यादा होता है और 90 डिग्री से कम होता है हमारा। ठीक है,
तो हमारा वो क्या हो गया, न्यून कोण हो गया। तो हमें ये सॉल्व बताना है कि एक का मान ज्ञात करना है क्योंकि थ्री ए एक न्यून कोण है। अब देखिए दिया हुआ है कि साइन थ्री ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 और साइन थ्री ए इज इक्वल टू हमने यहाँ से रख लिया कॉस 90। ए का मान हमने क्या रख लिया, 90 रख लिया, ठीक है, माइनस थ्री ए, इसलिए हम एक को इस रूप में लिख सकते हैं, नॉर्मल सी बात है। अब कॉस 90 माइनस थ्री ए इज इक्वल टू कॉस ए माइनस 26, दोनों को हमने इक्वल रख लिया क्योंकि इनका मान यहाँ पर भी आ रहा है। देखिए यहाँ पर इसका मान था साइन थ्री का और इसका मान हमारा ये यहाँ से निकल गया, तो दोनों को इक्वल रख लिया। तो 90 माइनस थ्री ए और ए माइनस 26 दोनों ही न्यून कोण है। क्यों? क्योंकि 90 से कम बैठेगा ये वाला भी और यहाँ पे भी हम वैल्यू रखेंगे तो 90 रखेंगे तो वो भी उससे कम वैल्यू आएगी। तो अब 90 डिग्री माइनस थ्री ए इज इक्वल टू ए माइनस 26 डिग्री, तो ए इज इक्वल टू आ गया हमारा 29। तो हमें क्या प्राप्त होता है, ए 29 डिग्री। इतना आप सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए, सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक न्यून कोण है और a का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए दिया है सेक 4a इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, ठीक है, आपको क्या दिया हुआ है, सेक 4a दिया हुआ है और यहाँ कॉसेक a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है। इतना समझ में आया। अब कॉसेक 90 माइनस 4a, ठीक है, अब इसका मान तो यही होता है ना। अब जब सेक का मान हमने देखा था 4a रखा हुआ है, ये होता है कॉसेक, मैंने पहले भी आपको पीछे जो कराया है क्लासेस उसमें मैंने आपको बताया है ये हम कैसे निकालते हैं मान, ठीक है। अब हमने इसका मान यहाँ रख दिया और ये तो आपको मिला हुआ ये यहाँ पे रखा हुआ। अब यहाँ से हमने ये दोनों को ले लिया तो 90 माइनस 4a इज इक्वल टू कॉसेक से कॉसेक हमारा चला गया यहाँ से और a माइनस 20 डिग्री, तो 90 प्लस यहाँ से हमारा प्लस में आ गया 20 और ये हो गया 5a, ये आ गया 5a इज इक्वल टू 110 डिग्री। अब a इज इक्वल टू क्या आ गया, 22 डिग्री, ठीक है। तो ये हमने इसको डिवाइड कर लिया 5 को और जब काटा तो हमारा क्या आ गया, a इज इक्वल टू 22 डिग्री। तो a का मान हमारा आराम से निकल गया और यहाँ पे क्या पूछा था, a का मान ज्ञात कीजिए, तो a का मान हमारा यहाँ पर ये आंसर हो गया, ठीक है। इतना आप सबको समझ में आया। अब नेक्स्ट देखिए उदाहरण नंबर 12। देखिए अनुपातों cos a tan a और sec a को sin a के पदों में व्यक्त कीजिए। अब हमें बताना है कि अनुपातों को इन पदों में व्यक्त कैसे करना है। तो कॉस, अब हल क्योंकि हमें कॉस ए स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, ठीक है। अब कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये आपको पता है, हम इसे यहाँ से माइनस में ले गए, अर्थात कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट में कर लेंगे क्योंकि ये स्क्वायर लिखा हुआ है, तो स्क्वायर को हमने कर लिया अंडर रूट में। अंडर रूट की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस दोनों में होती है, ठीक है। अब इससे हमें प्राप्त होता है कि कॉस ए इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्यों, इससे हमें पता चलेगा। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है किसकी, टेन ए की, ठीक है, सेक ए की। तो टेन ए की क्या होती है, टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस, और ए तो हम किसी भी वास्तविक संख्या को मान सकते हैं, किसी भी कोण को मान सकते हैं। अब साइन का मान क्या हो गया, साइन अपॉन, और कॉस की वैल्यू यहाँ रखी थी, देखिए इस वैल्यू को हमने कहाँ रख लिया, यहाँ पुट कर लिया, किसकी जगह, कॉस ए की जगह, ये भी कॉस ए है तो इसको नीचे रख लिया। अब आता है हमारा सेक ए, सेक क्या होता है, 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस की वैल्यू तो आपको पता है, तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये मान हमने इसका यहाँ से रख लिया। इतना आप सबको समझ में आया। इन एग्जांपल को हमने पिछली क्लास में भी किया है तो आपको अच्छे समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन हम कैसे कर रहे हैं और हमने कैसे अनुपातों को निकाला है, कैसे हमने ये फॉर्मूला रखा है, ठीक है। ये तो हमें इसमें दिया हुआ है और हमने इस फॉर्मूले को रख लिया आसानी से और इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व हम कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर दिया हुआ है आपको 1, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए कॉस ए और टेन ए को कॉट ए के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। अब कॉट ए के पदों में व्यक्त करना है और ये हमने अच्छे से कराया पहले क्लास में। अब देखिए साइन ए दिया हुआ है तो हम इसके पीछे अंडर रूट और स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक है। अब सपोज आपके पास 2 दिया हुआ है तो 2 पर आप स्क्वायर अंडर रूट लगाएंगे तो अंडर रूट से 2 जाएगा तो इसका मान 2 ही आएगा। तो हम किसी भी चीज़ के ऊपर अंडर रूट और उसका स्क्वायर लगा देंगे तो उसका मान वही बैठेगा। अब ये आ गया अंडर रूट। अब साइन की मान क्या होता है, साइन ए होता है 1 अपॉन कॉसेक ए, ये हमने पूरा टेबल में अच्छे से पढ़ा है। अब देखिए अंडर रूट 1 प्लस, अब हमें पता है कॉसेक ए, कॉसेक ए का मान क्या होता है, 1 प्लस कॉट ए, ये रहा कॉसेक स्क्वायर ए का होता है 1 प्लस कॉट ए। अब स्क्वायर यहाँ पर है तो यहाँ पर भी स्क्वायर होगा, यहाँ 4 होता तो यहाँ भी 4 होगा, मीन्स क्या है, आपका फॉर्मूला वही रहेगा, आप उसमें स्क्वायर और उसमें जो डिजिट है उन्हें ऐड कर सकते हैं साथ के साथ, ठीक है। अब यहाँ स्क्वायर दिया हुआ है तो ये भी स्क्वायर आप लगाएंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, 1 अपॉन अंडर रूट
वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, और ये कॉट के पदों में ही व्यक्त करना था। जो चीज़ हम जिस पद में व्यक्त करना है वहाँ तक पहुँच कर वो आंसर उसका सॉल्व हो जाता है, और ये हमारा क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, कॉस ए, ठीक है, अब ये भी हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना है, तो कॉस स्क्वायर ये ऐसे लिख सकते हैं, और कॉस क्या होता है हमारा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ये हमने पढ़ा हुआ है, और साइन ए का मान क्या होता है, वन अपॉन कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमने पीछे भी देखा है, और वन माइनस, और कॉसेक का मान क्या होता है, वन प्लस कॉट स्क्वायर लगा हुआ है, तो यहाँ पे भी हमने स्क्वायर लगा दिया, और क्या करा हमने, इसका एलसीएम ले लिया यहाँ पर, तो ये हमारी वैल्यू ऊपर आ गई, कॉट स्क्वायर ए माइनस वन और वन प्लस कॉट ए, तो कॉट ए अपॉन अंडर रूट वन प्लस कॉट ए, ये हमारा कॉट के पदों में व्यक्त हो गया। किस पदों में व्यक्त हो गया, कॉट के, यही हमसे पूछा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया हुआ है, टेन ए इज इक्वल टू वन अपॉन कॉट ए, ठीक है, अब देखिए इतना हमने समझ में आया, वो हमने कॉट के पद में व्यक्त कर दिया, और हमने आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। तो आज हमने क्या सीखा, हमने जो क्वेश्चंस किए हुए थे जिन्हें हम साइन की मान, कॉट का मान, ठीक है, टेन के मान में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है, और हमने उसके फॉर्मूले को अच्छे से सीखा भी था, उससे बेस हमने क्वेश्चंस को भी किया है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आज के लिए थैंक यू।